नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें आज अपना 17 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, इससे पहले अपने 16 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें प्रत्येक मॉडल पेपर में 40 क्वेश्चन हैं। दोस्तों, अभी तक काफ़ी प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वो किसी ने नहीं देखे हैं तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ फोल्डर बना हुआ है फर्स्ट ग्रेड करंट अफेयर के नाम से, तो आप वहाँ जाके टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी आराध्या आरएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पुस्तक है जिसका नाम है रिवॉल्यूशन, ठीक है। पुस्तक रिवॉल्यूशन के लेखक कौन है? तो कौन है रिवॉल्यूशन के लेखक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमैनुअल मैक्रों, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इस पुस्तक के लेखक हैं। नंबर सेकेंड प्रश्न है, तो इसमें देखो, हाल ही में अजीत वाडेकर का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों, अजीत वाडेकर हैं वो क्रिकेट से संबंधित थे। किससे? क्रिकेट से संबंधित थे। नेक्स्ट, नंबर तीन नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो दोस्तों आशीष कुमार भूटानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों, 1 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस मनाया गया था, 1 अक्टूबर को। नंबर पाँच प्रश्न है, तो इसमें देखो, छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल का पदभार किसने संभाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंदीबेन पटेल ने, दोस्तों अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया है। नेक्स्ट, नंबर छः नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो, किस राज्य के कैबिनेट ने धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर उम्र कैद की मंजूरी दी है? तो किस राज्य की कैबिनेट ने दी है ये? तो दोस्तों, पंजाब कैबिनेट ने दी है ये। किसने? पंजाब कैबिनेट ने। नेक्स्ट है, नंबर सात प्रश्न है, तो इसमें देखो, छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के रायपुर का नया नाम क्या रखने की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो रायपुर है उसका क्या नाम रख दिया जाएगा अभी? तो दोस्तों, उसका नाम बदलकर अटल नगर कर दिया जाएगा, अटल नगर। नेक्स्ट है, पहली ग्लोबल रोबोटिक्स ओलंपिक कहाँ शुरू हुई? पहली ग्लोबल रोबोटिक्स ओलंपिक है वो दोस्तों मेक्सिको सिटी में आयोजित की गई थी, ठीक है। कहाँ पर शुरू हुई थी ये? मेक्सिको सिटी में। नेक्स्ट है, नंबर नाइन प्रश्न है, तो इसमें देखो, रूस में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो रूस में भारत का जो अगला राजदूत है वो वेंकटेश वर्मा को नियुक्त किया है। किसको? वेंकटेश वर्मा को। नेक्स्ट है, नंबर दस प्रश्न है, तो इसमें देखो, मुख्यमंत्री राजश्री योजना किस राज्य में चलाई गई? तो दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजश्री योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट है, पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2018 में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों, भारत ने रजत पदक जीता है पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2018 में। नेक्स्ट, नंबर 12 प्रश्न है, तो इसमें देखो, हाल ही में लोकसभा में भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने व उन्हें दंडित करने के उद्देश्य से कौन सा विधेयक पारित किया गया है? तो दोस्तों, भगोड़ा आर्थिक अपराधिक विधेयक है वो 2018 में दोस्तों ये पारित किया गया है। इससे दोस्तों, जो लोन लेके भाग जाते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त करके उन्हें दंडित करने के उद्देश्य से यह विधेयक पारित किया गया है। नंबर 13 प्रश्न है, तो इसमें देखो, पांचवें कैस्पियन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान में। कहाँ पर किया गया? कजाकिस्तान में। नेक्स्ट, नंबर 14 प्रश्न है, तो इसमें देखो, लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत की प्रथम समर्पित प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत की प्रथम समर्पित प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण हेतु भारत का पहला आनुवंशिक बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण हेतु भारत का जो पहला आनुवंशिक बैंक है वो दोस्तों कहाँ पर उद्घाटन किया गया इसका? तो हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? हैदराबाद में। नेक्स्ट, नंबर 16 प्रश्न है, तो इसमें देखो, दर्शन शास्त्र पर विश्व कांग्रेस का आयोजन
कहाँ किया गया? दर्शन शास्त्र पर विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग चीन में, बीजिंग चीन के अंदर ये किया गया था। नेक्स्ट है, 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन है वो दोस्तों मॉरीशस में किया गया। कहाँ पर? मॉरीशस में किया गया। नंबर 18 प्रश्न है, तो इसमें देखो इंडियन सुपर लीग 2018 की, इंडियन सुपर लीग 2018 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसकी विजेता टीम कौन सी है दोस्तों? चेन्नई एफसी है दोस्तों, ठीक है, चेन्नई एफसी इंडियन सुपर लीग 2018 की विजयी टीम है। नेक्स्ट नंबर 19 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो हाल ही में किसने इंफोसिस के CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है, हाल ही में किसने इंफोसिस के CFO के पद से इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है MD रंगनाथ ने, MD रंगनाथ ने। नेक्स्ट नंबर 20 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो 24 अक्टूबर 2018 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस की थीम क्या थी? 24 अक्टूबर 2018 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस की थीम क्या थी? तो दोस्तों इसकी थीम थी शांति और अहिंसा की परंपरा, शांति और अहिंसा की परंपरा। नेक्स्ट नंबर 21 नंबर प्रश्न है, तो देखो इसमें विदेशी सरजमी पर टेस्ट मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय कौन बने? तो दोस्तों विदेशी सरजमी पर टेस्ट मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले वो भारतीय कौन बने? तो दोस्तों विराट कोहली बने, विराट कोहली। नेक्स्ट नंबर 22 प्रश्न है, तो इसमें देखो पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री इमरान खान किस पार्टी से संबंधित है? तो तहरीक ए इंसाफ पार्टी से संबंधित है पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री इमरान खान। नेक्स्ट नंबर 23 प्रश्न है, तो इसमें देखो संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव का हाल ही में निधन हो गया है? संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोफी अन्नान का, किसका? कोफी अन्नान का। नेक्स्ट नंबर 24 प्रश्न है, तो इसमें देखो किस राज्य सरकार ने सितंबर माह 2018 को पोषण के महीने के रूप में घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने सितंबर माह को पोषण के महीने के रूप में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य सरकार, राजस्थान राज्य सरकार। नेक्स्ट है नंबर 25 प्रश्न, तो इसमें देखो एशियाई टूर शीर्षक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय गोल्फर कौन बने? एशियाई टूर शीर्षक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय गोल्फर कौन बने? तो दोस्तों विराज मदप्पा बने, विराज मदप्पा। नेक्स्ट नंबर 26 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? महिला क्रिकेट टीम का जो मुख्य कोच है वो दोस्तों रमेश पंवार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट नंबर 27 प्रश्न है, तो इसमें देखो 19वें आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? 19वें आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारी सुल्लू, तुम्हारी सुल्लू, किसकी है? विद्या बालन की। नेक्स्ट है हाल ही में संपन्न बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2018 कहाँ किया गया? तो दोस्तों पिच ब्लैक 2018 जो अभ्यास है वो दोस्तों कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट नंबर 29 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो भारत का 53वां ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसने प्राप्त किया? तो 53वां ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव है वो निहाल सरीन ने किया है, निहाल सरीन ने किया है। नेक्स्ट है नंबर 30 नंबर प्रश्न, तो इसमें देखो नॉर्वे के प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? तो आदिल हुसैन को सम्मानित किया गया है नॉर्वे के प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार से सम्मानित। नेक्स्ट नंबर 31 प्रश्न है, तो इसमें देखो सड़क सुरक्षा अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों अक्षय कुमार को घोषित किया गया है सड़क सुरक्षा अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर। नंबर 32 प्रश्न है, तो इसमें देखो एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? तो विनेश फोगाट बनी दोस्तों, कौन बनी? विनेश फोगाट। नेक्स्ट
नंबर 33 प्रश्न है, तो इसमें देखो युवाओं को कौशल विकास का अधिकार प्रदान करने वाला पहले राज्य कौन बना। युवाओं को कौशल विकास का अधिकार प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या जाएगा? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट नंबर 34 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान कोसर का अनावरण किया। तो दोस्तों कोसर का अनावरण है वो किसने किया, ये ईरान ने किया है दोस्तों। ये अपने पहले स्वदेशी जो लड़ाकू विमान है जिसका नाम है कोसर, जिसका ईरान ने अनावरण किया है। नंबर 35 प्रश्न है, तो इसमें देखो हाल ही में आइंस्टीन पुरस्कार 2018 किसे दिया गया। तो हाल ही में आइंस्टीन पुरस्कार 2018 किसे दिया गया, तो दोस्तों अभय स्टेकर को दिया गया है। किसको? अभय स्टेकर को। नेक्स्ट है, मिस इंडिया 2018 का खिताब किसने जीता। तो मिस इंडिया 2018 का खिताब है वो दोस्तों अनकृति वास तमिलनाडु को दिया गया है, मिस इंडिया 2018 का खिताब। नेक्स्ट है नंबर 37 प्रश्न, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अमेरिका के लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे अमेरिका के लीजन ऑफ मेरिट से सम्मान मेरिट के सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलबीर सिंह सुहाग को सम्मानित किया गया है दोस्तों। लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है। नंबर 39 प्रश्न है, तो इसमें देखो हरियाणा राज्य का पहला नागरिक हवाई अड्डा कौन सा बना है। हरियाणा राज्य का पहला नागरिक हवाई अड्डा कौन सा बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिसार हवाई अड्डा। नेक्स्ट है नंबर 40 नंबर प्रश्न, तो इसमें देखो हाल ही में सोल ऑफ क्वीन नाम से प्रसिद्ध किस गायक का निधन हो गया। हाल ही में सोल ऑफ क्वीन नाम से प्रसिद्ध किस गायक का निधन हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरेथा फ्रैंकलिन का निधन हो गया दोस्तों। दोस्तों अगर आपने अभी भी आराध्या आरएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इस चैनल को देखो यहाँ पे रेड कलर का बटन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बेल आइकन का निशान दिखेगा, उस पर क्लिक करना तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।